जय हिंद दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आई है कि CISF ड्राइवर का एडमिट कार्ड आ चुका है दोस्तों। CISF ड्राइवर का एडमिट कार्ड आ चुका है। कैसे डाउनलोड करना है मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और जल्दी जल्दी आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें CISF ड्राइवर का, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे, हम लोग गूगल में जाकर टाइप करेंगे, आपका CISF ड्राइवर का एडमिट कार्ड आ गया। आप लोग जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें दोस्तों, जिन लोगों को भाई लोग को पता है, और आप लोग जिनका नहीं डाउनलोड हो तो कमेंट्स में आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के दें, मैं तुरंत डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जरूर लिखें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं टाइप करता हूँ CISF RRCTC, देखिए मैं ये टाइप करता हूँ, ठीक है। देखिए तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने खुल गया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर CISF रिक्वायरमेंट का होगा साइट खुल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस बोर्ड में लिख दिया गया है, देख सकते हैं ई एडमिट कार्ड ऑफ PSTN डॉक्यूमेंट ट्रेनर्स और ड्राइवर कॉन्स्टेबल ड्राइवर का आ गया, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी जो है उनका कॉन्स्टेबल ड्राइवर का एडमिट कार्ड 2017 वाले DCPO, ठीक है ना, तो उनका एडमिट कार्ड आ गया है दोस्तों। देख सकते हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है, और किन्हीं को कोई सवाल है तो कमेंट्स करें। ये देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये एडमिट कार्ड PST, और यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ जनरेटेड पासवर्ड, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। और किन्हीं का डाउनलोड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कमेंट्स में करें, मैं तुरंत बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ और आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही खुशखबरी आ गया है दोस्तों। आप लोग जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें, और तैयारी का जो भी फिजिकल की तैयारी करते हैं तैयारी जल्दी से करें, और किन्हीं को उन्होंने कोई सवाल है सवाल करें कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स करने जाओ जरूर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने खुल गया है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसे मैंने पहले की रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा यहाँ भी शो किया जा रहा है आपका ई एडमिट कार्ड PST डॉक्यूमेंट, यानी कि फिजिकल का आपका आ गया एडमिट कार्ड। और जल्दी से डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दे दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ नीचे, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है और पासवर्ड डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। और जिनका नहीं अगर पासवर्ड याद है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड यहाँ पर आपको जो करना है वो देखिए यहाँ पर ये करना है तो आपको फॉरगेट जो करना है पासवर्ड, वो कैसे फॉरगेट आपको पासवर्ड करना है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। नेम यहाँ पर टाइप करना है, फादर्स नेम टाइप करना है, और डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, ठीक है। जेंडर मेल या फीमेल है जो भी टाइप करिए आप लोग, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग सबमिट करिएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड मैसेज आ जाएगा आपका मैसेज ईमेल में, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं नीचे आपको, यहाँ पर जाकर टाइप करना है, और यहाँ पर आपको इसमें आप डेट ऑफ बर्थ भी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं, इंडियन टैक्स भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं टैक्स दिखा देता हूँ 7978, ठीक है। नीचे में कैंडिडेट है, और यहाँ पर आप पासवर्ड और CISF जो भी 17000 जो भी रहता है 4567 मैंने कैंडिडेट का देखा है, तो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। इन्होंने फॉर्म जो कि नहीं भरा था तो इनका नहीं दिखाएगा, इनवैलिड का क्लिक दिखाएगा, ठीक है। तो कोई भाई लोग हैं जो जल्दी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिखाते हैं तो मैं उनका वीडियो में नाम लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखता हूं कौन भाई लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देते हैं, मैं उनका तुरंत एकदम एडमिट कार्ड दिखाऊंगा वीडियो में उनका, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जो भी हैं भाई लोग जिन सबसे पहले जिनका कमेंट्स आ जाएगा मैं उनका वीडियो में दिखा दूंगा नाम, ठीक है। तो बस यही था अपडेट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।